मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस महासंघ के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, जिले के संयुक्त मोर्चा के संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम, प्रदेश प्रमुख सचिव के नाम, जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि एसडीएम दीपक सिंह चौहान को ज्ञापन देते कहा कि विदित अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय अनुसार आगामी समय में 3 चरणों में आंदोलन निर्धारित किया गया है, जिसका प्रथम चरण 6 जनवरी 2023 को जिला मुख्यालय पर प्रदेश के सभी संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों की 23 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर के माध्यम से दिया गया। हम अपने अधिकार मांगते नहीं, जिसे भीख मांगते आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, जिसे भीख मांगते। जिला बुरहानपुर के तत्वाधान में आज 23 सूत्री मांगों का ज्ञापन आपको सौंपा जा रहा है, जिसमें 4 क्लास से लेकर क्लास 1 अधिकारी तक संयुक्त मोर्चा में हमारे शामिल है, जिसकी जो प्रमुख मांगे हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं, जिसमें 2005 के बाद जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी प्रमुख मांग है पेंशन प्रारंभ की जाए और कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ की जाए जो बहुत दिनों से बंद है, लिपिकों की वेतन विसंगति में सुधार किया जाए, मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को और पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए और हमारे जो नए शिक्षक संवर्ग के, अध्यापक संवर्ग के जो साथी अभी राज्य शिक्षा सेवा में आए हैं उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी हमारे संविदा कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, इन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से मर्ज किया जाए। सहायक शिक्षक, शिक्षक और हेडमास्टरों को उनकी पद के अनुसार पदोन्नति का पद दिया जाए। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, निगम मंडल में काम करने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाए और भारत सरकार के और छत्तीसगढ़ के जो वेतनमान चल रहे हैं उसके अनुसार 5वें वेतनमान में हमारे जो साथी आज भी काम कर रहे हैं उन्हें वेतन वृद्धि के साथ साथ उन्हें महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। पंचायत सचिवों को 7वां वेतन दिया जाए। प्रदेश के पटवारियों का ग्रेड पे 2800 किया जाए और हमारे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं जिन पर आज अनावश्यक प्रकरण बनाए दिए जा रहे हैं तो जिनकी जांच करने के उपरांत ही उन पर प्रकरण बनाया जाए जिस तरीके से पात्रता हो। आयुष विभाग के हमारे कर्मचारियों की कुछ नैतिक मांगें हैं शासन की और उसका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, उनको भी उच्च न्यायालय का जो निर्णय हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में उनको वेतनमान और पेंशन का लाभ दिया जाए। अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान और आउटसोर्सिंग से जो भी शासन ने भर्ती कर रखी है उनको सीधी भर्ती का लाभ दिया जाए और आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये प्रतिमा और पेंशनरों की वो है इसमें पेंशनरों की धारा 49 को विलोपित करते हुए पेंशनरों की धारा 49 को विलोपित किया जाए। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमारी विगत जो 2 वर्षों से मांग है, सबसे जो मतलब प्रमुख मांग जो हमारी पुरानी पेंशन को लेकर है और उसके अलावा 23 सूत्री हमारी अन्य मांगे भी है, तो हमारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज बुरहानपुर जिले के अंदर संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज इसके घटक दल जिसमें समस्त यहाँ के विभाग के पदाधिकारी उपस्थित है, कार्यकर्ता उपस्थित, सदस्य उपस्थित हैं और हमारी पुरानी पेंशन की जो मांग को लेकर विगत 2 वर्षों से आवाज़ देते आ रहे हैं, सरकार से आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही, मजबूर होकर पुणे हमें आंदोलन की राह पकड़ना पड़ रहा है और आज उसी तारतम्य में आज 6 जनवरी को हमारा संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में ज्ञापन है। ज्ञापन के अंतर्गत उसमें बहुत सारी विभिन्न मांग है, पुरानी पेंशन की मांग है, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को नियमितीकरण की मांग है, जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उनको नियमितीकरण की मांग है, शिक्षक और संवर्ग की मांग है, पटवारी संवर्ग की मांग है, आशा उषा स्वास्थ्य कर्मचारी और समस्त कर्मचारी संगठनों की बहुत सारी मांगे हैं।